नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश 8 मई शुक्रवार सुबह 7 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर की खास खबरें। श्री गंगानगर जिले की रावला थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी पुत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। वह 30 अप्रैल की रात वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को एक महिला सर्वजीत कौर ने पुलिस थाना में आकर सूचना दी थी कि उसके पति सोन सिंह उर्फ सोनू ने अपने पिता सुरजीत सिंह की हत्या कर दी और शव को जमीन में दबाकर फरार हो गया। इस सनसनीखेज जानकारी मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की और बुधवार सुबह एक ऑपरेशन चलाकर जमीन में दफनाए गए शव को बाहर निकाल लिया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कल करवा दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया और आज पुलिस को सफलता हासिल हो गई। पिता के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि पिता पुत्र के बीच में शराब के नशे को लेकर झगड़ा हो गया था। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों पर रोक लगने के उपरांत प्रशासन ने राहत की सांस ली है, किंतु अभी तक बाजार नहीं खुल पाए हैं। प्रशासन ने किराना, मेडिकल आदि दवाओं के साथ सरकारी शराब की दुकानों को भी खोलने की मंजूरी प्रदान की है। हालांकि शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही अन्य क्षेत्र की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस अधीक्षकों को आदेशित किया है कि सीमा क्षेत्र में सतर्कता को और बढ़ाया जाए, रात के समय पेट्रोलिंग भी की जाए। डीजीपी के आदेश पर श्रीगंगानगर जिले में भी पंजाब से चिपटे इलाकों में नाकाबंदी को और मजबूत करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। पंजाब से श्रीगंगानगर जिले की हिंदू मलकोट, जवाहर नगर, लालगढ़ और सादुलशहर पुलिस थानों की सीमा लगती है। चारों थाना अधिकारियों को गश्त व्यवस्था की निगरानी अपने स्तर पर ही करने के लिए कहा गया है। वहीं जिला मुख्यालय से भी अतिरिक्त संख्या में पुलिस कार्मिक लगाए गए हैं। कश्मीर से श्रीगंगानगर जिले में आए अनेक लोग अभी भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। गुरुवार को एडीएम सिटी अरविंद जाखड़ के समक्ष पेश हुए अपने प्रदेश जाने के लिए सरकारी अनुमति देने की मांग की गई। एडीएम उनको आश्वस्त किया और प्रशासन अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार तक भिजवा चुका है। सरकार के आदेशों के उपरांत ही कश्मीरियों को वापस घाटी में जाने की अनुमति दी जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। हनुमानगढ़ सदर, पल्लू, संगरिया, रावसर और भादरा पुलिस ने मास्क नहीं पहनने, सड़क पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इनमें से 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। बुधवार को पुलिस ने 111 लोगों से 33,000 रुपये का जुर्माना राशि वसूल की थी। हनुमानगढ़ जिले की नोहर थाना पुलिस ने 4 जनों को स्मैक सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र निवासी चक 6 RPM, गोविंद जाट निवासी चक 6 RPM, विनोद निवासी आदमपुर तथा अमन निवासी आदमपुर को 17 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने अधिकारियों को कहा है कि फसल खरीद के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में रिकॉर्ड में अंकित कृषक और वास्तविक कृषक पृथक पृथक हैं। तो गत वर्ष की भांति राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कृषक की गिरदावरी रिपोर्ट तथा रिकॉर्ड में अंकित कृषक व वास्तविक काश्तकार ठेकित अथवा बंटाई पर काश्त करने वाला काश्तकार का फोटोयुक्त पहचान पत्र लेते हुए तथा दोनों की सहमति पत्र के आधार पर गेहूं खरीद की जाए। उन्होंने कहा कि जिससे काश्तकारों की समस्या हल की जाकर त्वरित गति से गेहूं खरीदी जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अन्य राज्यों के छात्र अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर के प्रताप नगर में करीब 150 छात्र हैं जो PG में रहते हैं और लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में नहीं जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं। इन छात्रों ने फिलहाल प्रशासन से स्वीकृति के साथ ही राजधानी जयपुर में फल सब्जी वालों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने गली गली घूम रहे फल सब्जी वालों पर सख्ती कर दी है। जिला प्रशासन ने नगर निगम के जरिए शहर के 91 वार्डों में 990 ठेला वालों को अनुमति जारी की है, यानी कि हर वार्ड में 10 से 11 फल सब्जी वाले चिन्हित किए गए हैं। जिन्हें अनुमति जारी की गई है वे ही फल सब्जी बेच सकेंगे। लोग इन्हें पहचान सके इसके लिए ठेला संचालकों को पीले रंग की टोपी, मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर दिए गए हैं। पीली टोपी से शहरवासी चिन्हित ठेलों को पहचान सकेंगे। अगर इनके अतिरिक्त कोई और ठेले वाला सब्जी बेचने आए तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, फल सब्जी ठेले वाले एक ही वार्ड से दूसरे वार्ड में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए
फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.